हेलो फ्रेंड्स एंड माय ऑल नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल इन बायोलॉजी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 5, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इससे पहले आप सभी को बता दें कि ICRSRB नेट की 4 क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखने को मिलेंगे। तो सभी क्लासेस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारी पिछले क्लासेस हैं, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाकर सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो ICRSRB नेट से रिलेटेड, तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आज फ्रेंड्स, हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, तो एक कॉपी पेन रखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी पक्की कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे रिकेट्सिया। तो रिकेट्सिया क्या होता है? दिस ग्रुप इंक्लूड, तो रिकेट्सिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, जिसमें यानी कि एक तरह से बैक्टीरिया होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स टू सब ग्रुप्स, रिकेट्सियाज एंड क्लेमाइडियाज। तो याद रखना, टू ग्रुप्स होते हैं, रिकेट्सियाज एंड क्लेमाइडियाज। दोनों के कुछ करेक्टर्स जो हैं सिमिलर जैसे होते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट आगे देखते हैं रिकेट्सिया। तो रिकेट्सिया के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, मोस्टली ऑब्लिगेट। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट आ गया है, तो इसका मतलब है कि परमानेंट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। मीन्स ये ऐसा एक पैरासाइट है जो सिर्फ इंट्रा सेलुलर ही अपना पैरासिटिक एक्शन शो करता है, और साथ ही साथ कैसा है, म्यूचुअलिस्टिक भी है। तो ध्यान रखना कि जो रिकेट्सिया है वो ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर मीन्स सेल के अंदर की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर होता इंटर सेलुलर तो दो सेल के बीच की बात होती है। तो इंट्रा में याद रखना, इंट्रा में बात होती है सेल के अंदर। तो रिकेट्सिया कैसा है? ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स और म्यूचुअलिस्टिक विद यूकैरियोटिक होस्ट। तो होस्ट कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है? जैसे कि वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स। तो अब आपको कॉमन पॉइंट क्या याद करने हैं कि रिकेट्सिया क्या होता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासिटिक म्यूचुअलिस्टिक यूकैरियोटिक होस्ट के साथ बनाता है, ठीक है? इसके बाद यूकैरियोटिक होस्ट कौन से दिखाए गए हैं? एक है वर्टिब्रेट्स, दूसरा है आर्थ्रोपोड्स। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दियर सेल वॉल कंटेन म्यूरेमिक एसिड। तो इसकी सेल वॉल में म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है। दीज यूज ग्लूटामेट टू एटीपी प्रोडक्शन। और ये भी याद रखना कि जब ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है तो ये ग्लूटामेट का यूज करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, रॉड शेप होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक के बारे में हम आपको बता दें कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को जो चेंज कर लेते हैं। ओके, चेंज द शेप ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, सो दिस शेप आर नोन एज प्लियोमॉर्फिक शेप। और रिकेट्स एक ऐसा होता है, ग्राम नेगेटिव होता है एंड लेक फ्लैजिला, और इसमें फ्लैजिला नहीं होता। तो रिकेट्सिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सारे याद करें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, पैरासाइट स्पीसीज आर फाउंड विद वर्टिब्रेट्स। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स के साथ मिलते हैं, जो म्यूचुअलिस्टिक एक्शन शो करते हैं वो इंसेक्ट के साथ मिलते हैं मीन्स आर्थ्रोपोडा के साथ। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पैरासिटिक स्पीसीज वर्टिब्रेट्स के साथ और म्यूचुअलिस्टिक स्पीसीज यानी कि जो म्यूचुअलिज्म करेगी जिसमें दोनों को बेनिफिट होगा, तो वो मिलेगी इंसेक्ट के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट जेनेरा ब्रेटोनेला, ठीक है, ग्रोहमेला एंड रोकाइलिमिया। तो ये तीन होते हैं इसके इम्पोर्टेंट जेनेरा, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे बार्ट्रोनेला, ग्रहमेला और रोकालिमिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो होवार्ड टी रिकेट्स था, उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कौन, रिकेट्सिया, ये एक कॉजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? यहाँ पर लिख लेना डिजीज, तो डिजीज मेंशन कर लेना, ये एक डिजीज कॉजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टाइफस फीवर और रॉकी माउंटेन फीवर कॉज करता है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि टाइफस फीवर और रॉकी माउंटेन फीवर कौन कॉज करता है, तो ये करता है कौन, रिकेट्सिया, ठीक है? दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिकेट्सिया कॉज करता है टाइफस फीवर और रॉकी माउंटेन फीवर। रिकेट्सिया
एक कोको बैसिलस शेप का बैक्टीरिया है। कोको मीन्स गोल शेप भी होती है और थोड़ा सा रॉड शेप भी होती है, तो कोको बैसिलस। ठीक है, इसके बाद रिकेट्सिया कैन बी कल्चर्ड ओनली इन एम्ब्रियोनेटेड एग। तो ये ध्यान रखना कि रिकेट्सिया जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है, उसको सिर्फ एम्ब्रियोनेटेड एग में ही कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, और ये जो ग्रो करता है एम्ब्रियोनेटेड एग में, ये करता है 35 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करता है। रिकेट्सिया कॉज 3 टाइप्स ऑफ टाइफस फीवर। तो रिकेट्सिया 3 टाइप्स के टाइफस फीवर कॉज करता है। पहला है एपिडेमिक टाइफस, दूसरा है ब्रिलजिंसर डिजीज, या इसे हम कह सकते हैं रिक्रूडिसेंट टाइफस, और तीसरा है एपिडेमिक टाइफस एलिसिट्स। ठीक है, तीनों टाइफस आप याद रखेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंस में नहीं आता, लेकिन ऐसे आ सकता है कि रिकेट्सिया कितने टाइप्स के टाइफस फीवर कॉज करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक है रिकेट्सिया, ठीक है, इत्सु ग्रैमुसी। ठीक है, रिकेट्सिया इत्सु ग्रैमुसी ये कॉज करता है स्क्रब टाइफस, और ये ग्रो करता है किसमें, न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद कॉक्सिएला रोकाइलिमिया क्विंटाना ये कॉज करता है ट्रेंच फीवर। तो यही पॉइंट हैं जो नंबर बनाते हैं आपके एग्ज़ाम में, स्क्रब टाइफस कौन कॉज करता है, ट्रेंच फीवर कौन कॉज करता है, ठीक है, रॉकी माउंटेन फीवर कौन कॉज करता है। तो ये चीज़ें समझ आनी चाहिए बस। तो कॉक्सिएला एक ऐसा जीनस है अकेला जो ग्रो करता है आर्टिफिशियल मीडियम में। ठीक है, इसके बाद ब्रेट्रोनेला हेमलिनसे, देखिए एक स्पीसीज है इसकी, ब्रेट्रोनेला हैमसिली। ठीक है, ब्रेट्रोनेला हैमसिली ये कॉज करता है बैसिलरी एंजियोमैटोसिस। ठीक है, क्या कॉज करता है, बैसिलरी एंजियोमैटोसिस कॉज करता है, एंड वीकेंस द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। तो ये आप याद रखेंगे कि ऐसा कौन करता है, तो ब्रेट्रोनेला जो है बैक्टीरिया रिकेट्सिया का जेनस है, तो ये कॉज करता है इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट भी है, नेक्स्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, कॉक्सिएला ब्रुनेटी ये क्यू फीवर कॉज करता है, जो कि निमोनिया के जैसी एक डिजीज़ है। तो क्यू फीवर कॉज्ड बाय कॉक्सिएला ब्रुनेटी। इसके बाद नंबर दो है क्लेमाइडियास, दीज आर नॉन ऑब्लिगेट। अब देखो रिकेट्सिया ऑब्लिगेट था, ये नॉन ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव डिफरेंस देख लो क्या होता है। ऑब्लिगेट वो होता है कि वो सिर्फ अपने ही होस्ट पर क्या कर सकता है, अपनी फीडिंग कर सकता है, अपने आप का सर्वाइवल कर सकता है, वो होता है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव वो होता है कि अगर उसे अपना होस्ट नहीं मिलेगा तो वो किसी और पर भी ग्रो कर सकता है, तो वो होता है फैकल्टेटिव। तो फैकल्टेटिव इज़ अ टाइप ऑफ टेम्प्ररी एंड ऑब्लिगेट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट। सो यू कैन से दैट ऑब्लिगेट हैज़ स्पेसिफिक होस्ट, ओके, एंड फैकल्टेटिव हैज़ अनस्पेसिफिक होस्ट, ओके। इसके बाद बात करते हैं क्लेमाइडियाज, पैरासाइट होता है, कोकोइड शेप का यानी गोल शेप का होता है, बैक्टीरिया होता है, मल्टीप्लाई विद द मैम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल। और ये किसके अंदर मल्टीप्लाई करता है, ये वैक्यूल के अंदर मल्टीप्लाई करता है बच्चों, एंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल के साइटोप्लाज्म के वैक्यूल में, की मैम्ब्रेन में ये क्या करता है, ग्रो करता है। तो हम एक बार दोबारा समझा दें इसको, कि जो क्लेमाइडियाज है वो मल्टीप्लाई करता है वैक्यूल में, साइटोप्लाज्म में ह्यूमन सेल के। तो ह्यूमन सेल के साइटोप्लाज्म के वैक्यूल में, ह्यूमन सेल के साइटोप्लाज्म के वैक्यूल में ये जो है क्लेमाइडियाज मल्टीप्लाई करता है, ओके, और अदर मैमल्स में भी करता है, और बर्ड्स के भी सेल के न्यूक्लियस में ये ग्रो करता है। दे आर पैथोजेनिक, तो ये पैथोजेनिक है। दीज आर स्मॉल, 0.22-1.0 माइक्रोमीटर, रॉड शेप का होता है, कोकोइड शेप का होता है, ग्राम नेगेटिव होता है क्लेमाइडियाज, और इसमें बोथ डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं। सेल वॉल डिवाइड ऑफ म्यूरेमिक एसिड, तो रिकेट्सिया के सेल वॉल में म्यूमेरिक एसिड था, लेकिन इसके सेल में म्यूरेमिक एसिड नहीं होता, और ना ही ये ग्लूकोज का यूज़ करता है एटीपी जनरेशन के लिए। ये क्या करता है, अपनी एटीपी के लिए होस्ट सेल के एटीपी पर डिपेंड होता है। तो क्लेमाइडियाज ऐसा बैक्टीरिया है जो अपनी एटीपी के लिए होस्ट सेल की एटीपी को यूज़ करता है। दे प्रेजेंट इन टू डिफरेंट फॉर्म, तो क्लेमाइडियाज दो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है,
एक लार्ज फॉर्म और एक स्मॉल फॉर्म। तो याद रखना, क्लेमाइडियाज की जो लार्ज फॉर्म है वो नॉन इन्फेक्शियस होती है। पॉइंट याद रखना, क्लेमाइडियाज की लार्ज फॉर्म नॉन इन्फेक्शियस, क्लेमाइडियाज की स्मॉल फॉर्म इन्फेक्शियस होती है। तो स्मॉल फॉर्म इन्फेक्शन करती है क्लेमाइडियाज की, और लार्ज फॉर्म जो है वो इन्फेक्शन नहीं करती है। और एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न में आकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो अधिकतर ऐसा होता है कि अगर चीज़ें आपको कंसिस्टेंसी में याद नहीं हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप विश्वास करके इन वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, और जब हम बाद में टेस्ट सीरीज़ कराएंगे आपको, तो डेफिनेटली कहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि इसी अटेम्प्ट में ही आप अपना आईसीआर नेट क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, अब दूसरी बात, जो लार्ज बॉडी होती है उसे कहते हैं एक्टिव बॉडी, और जो स्मॉलर होती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री बॉडी। तो ये भी क्वेश्चंस आपको थोड़े थोड़े याद रखने होते हैं। रेटिकुलेट बॉडी डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन, तो रेटिकुलेट बॉडी बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होती है। थ्री स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडिया पिसिटेसी विच कॉज सेवियर निमोनिया इन ह्यूमन एंड पैरेट फीवर। ध्यान रखना, आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। क्लेमाइडिया पिस्टेसी की स्पीसीज होती हैं जो निमोनिया कॉज करती हैं ह्यूमन के अंदर, और पैरेट फीवर यानी कि पैरेट में फीवर कॉज करती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि पैरेट टाइप का फीवर कॉज करती हैं। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आइज में जो ट्रैकोमा बीमारी होती है, ट्रैकोमा इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसे ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ही करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट याद करनी है। इसके बाद क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कॉज करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसे कहते हैं लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम। ठीक है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज करता है, जिसे कहते हैं लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम। इसके बाद क्लेमाइडियाज आर ट्रांसमिटेड बाय एयर, क्लेमाइडियाज कैसे होती है, एयर से ट्रांसमिट होती है। द जनरेशन टाइम इज़ 2 to 3 आवर। तो क्लेमाइडियाज एयर से ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसका जो जनरेशन टाइम है वो 2 to 3 आवर है, और ये रिकेट्सिया से तेज जनरेट होता है। नेक्स्ट है अब प्लैंक्टोमाइसिटीज, यानी कि हमारा रिकेट्सिया खत्म हो गया। रिकेट्सिया में हमने एक रिकेट्सिया पढ़ा और एक क्लेमाइडिया पढ़ा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्लैंक्टोमाइसिटीज, ये क्या होते हैं। इट इज़ मोस्ट अनयूजुअल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अनयूजुअल मेंबर होते हैं। ठीक है, इन 1900 फर्स्ट टाइम दे वेर आइसोलेटेड फ्रॉम एक्वेटिक हैबिटेट। तो प्लैंक्टोमाइसिटीज को सबसे पहले एक्वेटिक हैबिटेट से आइसोलेट किया गया। सेलवॉल लेक पेप्टाइडोग्लाइकन्स, तो इनकी जो सेलवॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, सेम एज क्लेमाइडियाज। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि क्लेमाइडियाज के अंदर भी पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। ठीक है, इसकी कुछ जेनेरा होते हैं प्लैंक्टोमाइसिटीज के। तो फर्स्ट है पिरेलुला, गेमाटा, प्लैंक्टोमाइसिस बेकेफी, पूरा नाम है प्लैंक्टोमाइसिस बेकेफी, आइसोफेरिया पैलिडा। तो ये दोनों पूरे पूरे नाम हैं, आइसोफेरिया पैलिडा और प्लैंक्टोमाइसिस बेकेफी, पायरेलुला और गैमाटा, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये प्लैंक्टोमाइसिटीज के जीनस थे। इट इज़ नॉन कल्चरेबल, पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नॉन कल्चरेबल है जिसको आप लैब में कल्चर नहीं करा सकते। तो ये नॉन कल्चरेबल है। प्लैंक्टोमाइसिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनारोबिक नाइट्रिफिकेशन। तो लो जी, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एनारोबिक नाइट्रिफिकेशन कौन करता है। तो एनारोबिक नाइट्रिफिकेशन प्लैंक्टोमाइसिस करते हैं। ये वाले सारे जीनस याद रखना, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछता है। तो एनारोबिक नाइट्रिफिकेशन यानी कि इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट एंड देन नाइट्राइट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अमोनिया नाइट्रिफिकेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती है। इसके बाद प्लैंक्टोमाइसिटीज हो गया। अब है वेरू माइक्रोबायोटा, प्लैंक्टोमाइसिटीज से अलग है, वेरू माइक्रोबायोटा। ठीक है, इसमें देखो आगे
इट इज़ मोस्टली फाउंड इन सॉयल एंड एक्वेटिक हैबिटेट. तो ये कहाँ मिलता है? सॉयल में और एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन कल्चरेबल, ज़्यादातर समय ये कैसा होता है? नॉन कल्चरेबल होता है, मीन्स इसको भी कल्चर नहीं करा सकते. इट कंटे एक मिनट इट कंटेन 16S राइबोसोमल DNA सीक्वेंस. ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 16S राइबोसोमल DNA नहीं होगा, यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, ये मिस्टेक है. 16SRRNA तो ये होगा यहाँ पर, 16SRRNA सीक्वेंस इसके अंदर मिलता है. इसके बाद प्रोस्थेकोबैक्टर एंड वेरू माइक्रोबियम आर हेटरोट्रॉफिक एक्वेटिक बैक्टीरिया. तो पानी में मिलने वाले बैक्टीरिया हैं प्रोस्थेकोबैक्टर एंड वेरो माइक्रोबियम. ठीक है, इसके बाद प्रोस्थेकोबैक्टर हैज़ होल्ड फास्ट. होल्ड फास्ट क्या होते हैं? ये एक एब्जॉर्प्शन करने के क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं. ऐसा ऑर्गन होता है जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है. ठीक है, तो प्रोस्थेकोबैक्टर होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच होता है किससे? एल्गी के साथ. तो आप समझ सकते हैं कि प्रोस्थेकोबैक्टर सिम्बायोसिस शो करता है एल्गी के साथ. ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा, प्रोस्थेकोबैक्टर एल्गी के साथ सिम्बायोसिस शो करता है. वेरो माइक्रोबियम हैव अल्फा एंड बीटा, ठीक है, जीन फॉर ट्यूबुलिन सिंथेसिस. तो वेरो माइक्रोबियम में अल्फा और बीटा जीन मिलते हैं जो ट्यूबुलिन का सिंथेसिस करते हैं. ट्यूबुलिन जीन्स आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. तो ट्यूबुलिन जीन्स वैसे तो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेरो माइक्रोबियम है ये प्रोकैरियोटिक होता है, और इसके अंदर अल्फा और बीटा जीन बनते हैं जो ट्यूबुलिन का सिंथेसिस करते हैं. इसके बाद एक नेक्स्ट है, एक मिनट इसके बाद नेक्स्ट है, यह है आपका जीफाइनो बैक्टर. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कोई आ गया था तो इसलिए स्टॉप करना पड़ा. तो आगे देखिए क्या है कि जो एक बैक्टीरिया है जी फैनोमैटोबैक्टर, तो याद रखना जी फिनोमैटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है. ठीक है, ये प्रोटिस्टा के साथ सिम्बायोसिस करता है. तो देखो कितनी डीप पॉइंट है कि जी फिनेमेटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो प्रोटिस्टा के साथ सिम्बायोसिस करता है, इसलिए इसे सरफेस स्ट्रेंजर भी कहते हैं. सरफेस स्ट्रेंजर भी कहते हैं और रेफर्ड एज इपिजीमोजोम. ठीक है, याद रखना इपिजीमोजोम के नाम से जाना जाता है कौन? जी फेमेटोबैक्टर. इसके बाद दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस प्रोटीनेसेस हार्पुन. ठीक है, प्रोटीनेसेस हार्पुन का फॉर्मेशन करता है कौन? जी फिनेमेटोबैक्टर. अब ये प्रोटीनेसेस हार्पुन क्या होता है? हार्पुन इज ए लाइक एक स्पाइन शेप. ठीक है, कांटों के जैसे एक शेप होती है, तो ऐसा स्पाइन फॉर्मेशन करता है कौन? जी फिनेमेटोबैक्टर. तो प्रोटीनेसेस हार्पुन का फॉर्मेशन करता है जो प्रोटिस्टा के अंदर जाकर और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों आराम से रहते हैं. इसके बाद है माइकोप्लाज्मा, और यहाँ से क्वेश्चंस 90% चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे. माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं और सेल वॉल लेस बैक्टीरिया भी कहते हैं. दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल प्रोकैरियोट्स डिवाइड ऑफ सेल वॉल कंसिस्ट ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो कॉमन सी चीज़ें हैं ये, तो आपको इजीली समझ आ गया होगा. दिस इज रेसिस्टेंट टू पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम से रेसिस्टेंट होती है एंड सेंसिटिव होती है किसके? ऑस्मोटिक शॉक के, डिटर्जेंट के एंड अल्कोहल के. तो इनसे इजीली मर जाता है माइकोप्लाज्मा, ऑस्मोटिक शॉक हो जाए या डिटर्जेंट का यूज़ हो जाए या अल्कोहल आ जाए तो वो मुकिल हो जाएगा. दीज आर प्लियोमॉर्फिक. प्लियोमॉर्फिक का मतलब कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ये भी अपनी शेप चेंज कर लेता है. ठीक है, 0.3 to 0.8 यहाँ पर मिस्टेक है, ये यहाँ पर आपको एक पॉइंट ऐड करना है, 0.3 to 0.8 माइक्रोमीटर. तो माइक्रोमीटर यूज़ करना है इन डायमीटर. ओके, इसके बाद जो
माइकोप्लाज्मा है, नॉन मोटाइल होता है और लेकिन चलता नहीं है, लेकिन ग्लाइडिंग मोमेंट शो करता है लिक्विड सरफेस पर, तो ग्लाइड करके चल सकता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव होते हैं, मोस्टली रिक्वायर स्ट्रॉल एंड फैटी एसिड इन देयर ग्रोथ मीडिया फॉर ग्रोथ। तो कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी है कि माइकोप्लाज्मा कैसे मीडियम पर ग्रो करता है, स्ट्रॉल्स मीडियम पर ग्रो करता है, फैटी एसिड मीडियम पर ग्रो कर सकता है। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मैंने बता दिया था ऑलरेडी। फैकल्टेटिव मीन्स कि नॉट अ परमानेंटली स्पेसिफिक होस्ट, ओके। फ्यू आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, इनमें से कुछ ऑब्लिगेट्स एनारोब्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक होस्ट होता है। इट्स अपियरेंस फ्राइड एग। तो माइकोप्लाज्मा जब कल्चरल ग्रो करता है तो ये कैसा दिखाई देता है, फ्राइड एग की तरह दिखाई देता है। ऑल आर पैरासिटिक, कॉमन सेल्स और सेप्रोफाइट्स। तो तीनों का मतलब समझ लो, पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपने होस्ट पर एक्शन करते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको किल करते हैं। कॉमन सेल्स वो होते हैं कि जो किसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन जिससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट से, उस होस्ट को कुछ नुकसान नहीं होता और रिसीवर को फ़ायदा होता है। तो कॉमन सेलिज्म वो होता है जिसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है, ऐसे याद रखना कॉमन सेलिज्म। एक मिनट। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन सेवरल माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, किसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर। तो कंडीशंस आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए कि माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं। मोल परसेंटेज ग्वानिन और साइटोसिन का डीएनए में कितना होता है, 23 to 40 होता है, ठीक है। साइटोसिन ग्वानिन का जो परसेंटेज है वो 23 to 40 होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चरगाफ रूल क्या होता है, ए के अपोजिट हमेशा टी बाइंड होता है, ठीक है, और जी के अपोजिट हमेशा सी होता है। तो इसमें जी के अपोजिट सी है तो इनका कंटेंट परसेंटेज कितना है, 23 to 40। माइकोप्लाज्मा में होता है कितना, 23 to 40। माइकोप्लाज्मा फॉर्म टू सेपरेट ग्रुप्स। तो माइकोप्लाज्मा के दो ग्रुप्स होते हैं, माइकोप्लाज्मा, एनिरोप्लाज्मा एंड यूरियोप्लाज्मा। तो तीन तरह के माइकोप्लाज्मा के ग्रुप हैं, मेंबर हैं ये। तो इनको स्ट्रॉल की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए लैब के अंदर। इसके बाद एक्यूलोप्लाज्मा, एस्टेरोप्लाज्मा और थर्मोप्लाज्मा, इन्हें स्ट्रॉल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो कल्चर के लिए जिन्हें स्ट्रॉल की ज़रूरत है आप यहाँ से लिखें, जिन्हें नहीं है वो नीचे वाले हैं। इसके बाद माइकोप्लाज्मा एनिरोप्लाज्मा में क्या होता है, लिपोग्लाइकन्स पाया जाता है, ओके। स्पायरोप्लाज्मा और यूरियोप्लाज्मा में लिपोग्लाइकन नहीं पाया जाता। तो पॉइंट्स याद रखना सारे, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने आपके लिए, हर एक कंटेंट मैंने आपके लिए डिक्टो आईसीआर नेट का बनाया है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यूजीए कोडोन इज रेड, सॉरी, यूजीए कोडोन जो होता है यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन, तो ये कोडोन जो होता है ये रीड करता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को। तो डायरेक्ट है कि माइकोप्लाज्मा में जो यूजीए कोडोन होता है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को कोड करता है। माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स ये नाम होता है, पूरा एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा का। इसके बाद बात करते हैं स्पायरोप्लाज्मा। सेल्स आर प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक आपको पता ही है कि दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच चेंज दियर शेप ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल एक्शन, ओके। हेलिकल होता है, मीन्स हेलिक्स फॉर्म में होता है, ब्रांच्ड टू स्फेरिकल और ओवॉइड। ब्रांच भी होता है, स्फेरिकल भी होता है और ओवॉइड यानी ओवल शेप का भी होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एबसेंट, सॉरी प्रजेंट है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स स्पायरोप्लाज्म में प्रजेंट होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, कोलेस्ट्रॉल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइसोलेटेड फ्रॉम टिक्स, हिमोलिम्स एंड गट्स ऑफ इंसेक्ट। और इसको कहाँ कहाँ से, देखो चार पांच जगह है जहाँ से इसको आइसोलेट किया जा सकता है स्पायरोप्लाज्मा को। टिक्स के अंदर से, हिमोलिम्फ एंड गट्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के हिमोलिम्फ से, इंसेक्ट के गट्स से, और इसी के साथ साथ वेस्कुलर प्लांट्स के फ्लूड से भी स्पायरोप्लाज्मा को आइसोलेट किया जा सकता है। मोल जीसी परसेंट कितना होता है इसका, 25 to 31। तो ग्वानिन और साइटोसिन का जो मोल परसेंटेज होता है वो 25 से 31 होता है,
और एग्जाम्पल जो है वो स्पायरोप्लाज्मा सिट्री एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी। आपको क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे बायोलॉजी क्लासेस को सपोर्ट करें ताकि आपको हम पूरे सिलेबस की सभी वीडियो बहुत अच्छे से और अच्छे से अच्छे कंटेंट में दे सकें। वैसे होप सो आप सभी का नेट इस बार क्वालिफाई होगा। बस अच्छे से आप मटेरियल की स्टडी करते रहिए। जो भी हम वीडियो अपलोड करें उस वीडियो के नोट्स आप पूरे ध्यान से बनाएं, पूरे ध्यान से वीडियो को समझें। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम रखें या हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आप कॉन्टैक्ट करें। ओके, तो सबसे लास्ट में कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि सभी को ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स मिल सकें। और आगे भी हम ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे ऑनलाइन, जिसमें हम ICR ASRB नेट में आने वाले क्वेश्चंस को दिखाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहें। और इसी के अलावा हमारे चैनल्स पर आपको और भी डीप स्टडी नोट्स मिल सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, माइक्रोस्कोपी, अगर कुछ समझ नहीं आया तो माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको और भी बायोलॉजी से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास 6 में।